जंतर मंतर पर और हमारे साथ हैं डायनेस्टी जी जो कि यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं किस वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, जितने भी ये आपको दिख रहे हैं प्रोटेस्ट में शामिल लोग, ये सभी वर्मा से हैं जो कि शरणार्थी हैं, जो भारत में शरणार्थ के रूप में रह रहे हैं। डायनेस्टी, क्या आपकी डिमांड्स हैं सरकार से और आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? Actually, we demand here the military rule should be stopped in Myanmar, known as Burma. And secondly, that the military coup, junta, they should return the power to civilians government. That's the main demand. That's why we are doing protesting in Jantar Mantar. Thank you. दिक्कतें भी आती होंगी आप लोग को फेस करनी पड़ती होंगी, तो आप लोग जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, क्या हैं ऐसी प्रॉब्लम्स? राइट नाउ इन माय होम टाउन स्पेशल चिन स्टेट दे आर नो मोर शेल्टर बिकॉज द हाउसेस आर बर्न डाउन। इफ यू कुड कम देयर, द हाउसेस आर बर्न डाउन एंड नोबडी एबल टू लिव इनसाइड द हाउस बिकॉज कुछ लूटिंग द मिलिट्री आर दे आर टेकिंग द मनी the phone and all valuable jewelry are taken from inside the house. Nobody able to live inside the house. That's why the people started coming to Mizoram border. In Mizoram border, that Assam regiment, they are do not allowed Chin people to enter inside. But somehow we managed and we came to Mizoram and there are shortage of shelter. So we come to Delhi for a better shelter, a better future and a better hope. So that's why we are starting coming to New Delhi. And right now in New Delhi, what we are facing right now is that we do not have ID card and any ID card. So now whenever we try to rent the room, then the landlord, the Indian, they do not allow to stay there because we do not have ID card. As well as we cannot get that vaccination because unless we show to hospital that ID card, we cannot get that vaccination. That is the reason we are coming to Delhi and we are facing in New Delhi. Demands kisse kar rahe hain aap? Actually, we demand these things should be heard by Indian government. Then it should be heard why the people of Burmese people are coming here and why we are coming here and doing protesting, because immediate neighbor is only India for Burma. India government should help. Thank you so much. Sir, Jasmine ji bhi jud chuki hain, aaiye jante hain inse ki inhe kin dikkaton ka samna karna pad raha hai. Jasmine ji, aap lagatar आप लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज, आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं सरकार से? हमारी ये डिमांड है सरकार से कि जो जो म्यांमार में सब कुछ जो चल रहा है वो तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा न्यूज़ के द्वारा,
और हम बताना चाहते कि हमें क्या क्या दिक्कतों का फेस हमें सामना करना पड़ रहा है। म्यांमार में जो भी हो रहा है सब कुछ फैक्ट्रियाँ जलाए जा रहा है, सब कुछ जल रहा है, म्यांमार ही जल रहा है पूरा। और जो म्यांमार में चर्चेस है, चर्च है जहाँ पर हम फेलोशिप करते हैं, वहाँ सब कुछ जला दिया मिलिट्री वालों ने। और जो पास्टर है, जो चर्च के पास्टर होते हैं, उन सबको मार दिया गया। और जो प्रेग्नेंट औरत है उन तक को नहीं छोड़ा, उनके साथ रेप हो रहा है, लड़कियों को किडनेप करके रेप हो रहा है उनके साथ। और जो सब कुछ हो रहा है वो पहले तो उन्होंने कब्जा कर लिया था सरकार पे, सरकार को अपना बना लिया, अपने किया ये मीन ऑनलाइन ने किया। और उसके बाद जो उनके मिलिट्री वाले जो उनके वो जो डिक्टेटरशिप का रूल चला रहे हैं वो उनके साथ दे के फिर उसके बाद फिर वो लोग लोगों को मार रहे हैं। और नेटवर्क मतलब ताकि वो किसी से भी कनेक्ट ना हो पाए उसके लिए नेटवर्क भी बंद कर दें, इंटरनेट भी बंद कर दें सब कुछ, ताकि किसी जो वर्ल्ड में जो जिससे भी कनेक्ट हो सकता है या कुछ भी जिससे भी हेल्प ले सकते हैं उसके कुछ भी ना ले पाए, उसके लिए वो सब कुछ बंद कर रहे, डिस्कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद जो म्यांमार में चल रहा है अभी कि सब कुछ वो लोग डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। और अभी जो म्यांमार में हमारे हम तो यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन जो हमारी फैमिली है, रिलेटिव्स है, और जो हमारे म्यांमार जो हमारे पीपल है वो तो वहाँ पे ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। कोई भी स्कूल मतलब सब कुछ एजुकेशन भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, सब कुछ, कोई भी अपने पढ़ाई आगे नहीं कर पा रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या क्या लगता है आपको? क्योंकि वो सरकार अपना बनाना चाहते हैं और जो पीपल है, जो पब्लिक है, वो उनको सरकार नहीं बनाना चाहते। क्योंकि अगर वो उनको कब्जे में लेना चाहते, हाँ वो अपने कब्जे में अपने कंट्रोल में लेना चाहते सब कुछ। और जो पीपल है, जो पब्लिक है, वो नहीं चाहते ऐसा, तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से मिलिट्री वाले उनको मार रहे हैं। तो आज आप किससे डिमांड कर रहे हैं, किस सरकार से आप डिमांड कर रहे हैं? हम श्री नरेंद्र मोदी जी से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारा उनसे प्रार्थना है कि जो यहाँ पे सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं सबका प्रार्थना यही है कि जो श्री नरेंद्र मोदी जी है, जो म्यांमार में अभी प्रेसिडेंट मीन ऑनलाइन है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और उनको उनके जगह उनके प्लेस से हटाए और उनको म्यांमार का सरकार ना बनाने दें। और जो डिक्टेटरशिप रूल चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए हमारी हेल्प करें, है अमेरिकन है जो भी सब कुछ मतलब जो जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारी हेल्प करें ताकि जल्द से जल्द म्यांमार सेफ हो और म्यांमार के लोग सुरक्षित रहें। Yeah.